एवरीवन, नमस्कार, नमस्ते, हेलो, हाय, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सभी लोग अच्छे से हैं। और मैं हूँ मीरा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मीराज ब्लॉग्स। तो आज है थर्सडे, ओके, टुमोरो इज फ्राइडे। तो टुमोरो हम जा रहे हैं वेस्ट बंगाल, उसका ही अभी पैकिंग करूँगी मैं। और कुछ भी पैक नहीं हुआ है और हम दोनों भी जॉब में जाते हैं तो थोड़ा सा भी टाइम नहीं मिला है हम लोगों को, और आते आते ही शाम हो जाता है। तो बाद में आके खाना बना के खा के, और बीच में मैं थोड़ी बिजी हो गई थी तो इसलिए कुछ भी पैकिंग नहीं हुआ है। तो पैकिंग तो ज़्यादा नहीं होगा, वो भी कम ही होगा पैकिंग, बट पैकिंग तो पैकिंग होता है ना, तो इसीलिए अभी मैंने पैकिंग करने जाऊंगी। और राहुल ने अभी तक आए नहीं है कंपनी से, उन्होंने पता नहीं लेट में आएंगे, मुझे मैसेज किए कब आएंगे, तब तक मैंने स्टार्ट कर दूंगी। और अभी इधर किचन में मैं कर रही हूँ कद्दू का फ्राई, और इधर बैंगन का फ्राई की हूँ। तो फ्रिज में जो सभी सब्जियाँ थे तो उसको एक करना था, ख़त्म करना था, तो इसीलिए बैंगन फ्राई की हूँ और कद्दू फ्राई की हूँ, और इधर राइस लगाई हूँ, राइस में आलू डाल के रखी हूँ तो आलू का सब्जी बनेगा। तो अभी मैंने पैकिंग करने जाऊंगी। पैकिंग में ज़्यादा कुछ नहीं है, राहुल का चीज़ें मीन्स लाइक 7-8 दिन जो हम रहेंगे तो उसके लिए उसका तो कपड़े लेना है ना एटलीस्ट, सो इसीलिए। और हमारे तो इस साल बुरा ही बुरा चल रहा है, क्या बोलेंगे। और अब लोगों को आप लोग डेली ब्लॉग्स देखते हैं तो पता है, और जो लोग नए देख रहे हो वो लोग सब्सक्राइब कर दो और मुझे सपोर्ट करो। और कोई हम वेस्ट बंगाल भी जा रहे हैं, कितना एंजॉय करेंगे, कितना क्या करेंगे पता नहीं, क्योंकि दादी का तबीयत अभी भी बहुत ही ख़राब है, ठीक है, गर्मी है वैसे। और इधर बुआ का भी ऐसे हुआ, सो हमने क्या करेंगे ना कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो पता नहीं है क्या बोल रही हूँ। और अभी मैं पैकिंग करने जा रही हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और एक बात बता दूँ, नवरात्रि स्टार्ट हो गया है, आज है षष्ठी, काल है सप्तमी, आज तक हमने माता रानी या दुर्गा माँ का फेस अभी तक दर्शन नहीं किए हैं, यह है दुख की बात, तो हमको मौका ही नहीं मिला है। तो इधर ही बाजू में एक नवरात्रि होता है, इधर बहुत सारा होता था इधर, बट अभी तक लाइक इधर साइड में नहीं हुआ है कुछ भी, एक ही हुआ है उधर, तो उधर भी हम नहीं जा पाए। तो चलिए पैकिंग करते हैं।
जब हमने ट्रैवल करते हैं ना तो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत होता है डॉक्यूमेंट्स का, तो आधार कार्ड वगैरह नहीं तो फ्लाइट में तो एंट्री ही नहीं है, छोड़ दो। इसीलिए वो सभी मैं निकाल के रखी हूँ इधर बाजू में। तो राहुल आने के बाद तो उनका लैपटॉप बैग में वो सभी डालेंगे, उन्होंने कंपनी लेके गए हैं लैपटॉप बैग, तो इसीलिए उनके लिए वेट कर रही हूँ कब आएंगे। अभी तो आए नहीं है, वो इतना ही बाकी है और सभी हो गया है काफ़ी, राहुल का कजिन वगैरह हो गया, तो उन्होंने आने के बाद और जो कुछ बोलेंगे तब मैं करूँगी, ऐसे लिख के रखी हूँ। तो इसीलिए रूम तो बहुत ही खराब सिचुएशन में है, रूम का कुछ भी कर नहीं पाती हूँ, और अभी जो सिचुएशन चल रहा है ना कुछ मन भी नहीं करता है करने के लिए, तो इसीलिए। और राहुल आने के बाद मिलती हूँ, यहाँ पे ड्रेस सभी निकाल कर रखी हूँ जो पहन के जाएंगे हम, तो इसीलिए। अभी राहुल आ गए कंपनी से और मुझे बहुत भूख लगा था, तो हमने कर लिया डिनर, ऑलरेडी कंप्लीट हो गया। अभी इन्होंने इधर बैठे हैं, देखिए बैग वगैरह लेके फिनिश क्या बोलते हैं पैकिंग करने के लिए, वो इधर से चार्जर, हेडफोन, पावर बैंक, लैपटॉप सभी पड़ा हुआ है, वो सभी डालने के लिए। तो हम डालेंगे अभी, कितना डाल रहा पता नहीं है। तो मैं मेरी ब्लॉग इधर ही खत्म करती हूँ, फिर मिलती हूँ कल जाते टाइम पे, कल क्योंकि कंपनी से आके मैं छाप दे करके आऊँगी, बाद में हम जाएंगे, तो इसीलिए कल भी जाते टाइम भी मिलेंगे। गुड नाइट।